महानगर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से गोलघर में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा जलकर परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। 4200 वर्ग मीटर में इस मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 5 तल में किया जा रहा है। पूरे पार्किंग क्षेत्र में एक साथ करीब 400 चार पहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग स्थल में लिफ्ट का इंतजाम भी होगा। गौरतलब है गोलघर का मल्टी लेवल पार्किंग जाम की समस्या से निपटने को तैयार है। वहीं शासन द्वारा 2 और मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना चल रही है, जिसके लिए गोरखपुर प्रशासन जमीन की तलाश में लगा हुआ है। इसके अलावा महानगर में सिनेमा रोड, सिटी मॉल के सामने, टाउन हॉल के समीप पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है, जिससे महानगर को जाम से मुक्ति दिलाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, पार्किंग नहीं बन पा रहा है। सर गोरखपुर में पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं, सर अभी अभी कुछ बनाए गए और कहाँ कहाँ बनाए जाने का? एक मल्टी लेवल पार्किंग स्थल गोलघर में बन के तैयार है, इसको शीघ्र ही हम लोग ऑपरेशनल कर देंगे। इसके अलावा स्मार्ट स्ट्रीट की एक परियोजना विचार में है, जो बहुत जल्दी ही उसको अमली जमा पहनाया जाएगा, और उस पर 2 और मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना है। स्थान का चयन कर लिया गया है, शीघ्र ही कार्य शुरू होगा।